हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टुडे वी विल रीड इंग्लिश एंड सी आर डी फॉर सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स सो दिस इज़ अ पोयम वोकेशन इट इज़ रिटन बाय रबीद्राथ टैगोर सो वोकेशन मीन्स देख लेते हैं क्या होता है बच्चों जो वोकेशन मीन्स होता है बिजनेस यानी कि हमारा जो काम होता है जिसे हम व्यवसाय भी बोल सकते हैं ऑन यू वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क आपने अपने स्कूल या मार्केट के रास्ते बहुत सारे लोगों को काम करते दिखा होगा इन पेयर्स डिस्कस विद यू वॉट यू हैव नोटिस आप पेयर में यानी कि दो लोगों की जोड़े में डिस्कस कीजिए कि आपने क्या नोटिस किया दैन रीड दिस पोएम और उसके बाद इस पोएम को रीड कीजिए यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर आप इसे अपने पार्टनर के साथ भी रीड कर सकते हैं इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद हो तो अब आपकी पोएम स्टार्ट होती है वेन द गंग साउंड टेन इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन यानी कि जब सुबह के दस बजते हैं गोंग मीन्स होता है अलार्म यानी कि सुबह के दस बजते हैं तो जो घंटे की आवाज़ होती है वो मैं सुनता हूँ एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन लेन मीन्स होता है बच्चों गली जो हमारी गली होती है ना कॉलोनी जिसे हम बोलते हैं आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन यानी कि मैं अपनी गली से अपने स्कूल जब जा रहा होता हूँ तो वहाँ पर एक आ, होती है क्लॉक होती है जिसकी आवाज़ जिसके दस बजते ही जो क्या करती है गोंग साउंड्स होता है उसमें अलार्म की आवाज़ आती है एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि मैं क्या करता हूँ डेली ही मुझे वहाँ पे एक हॉकर मिलता है जिसकी जो चिल्ला रहा होता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स हॉकर मीस होता है बच्चों जो फेरी वाला होता है ना जिसे हम लोग रेडी वाला भी बोलते हैं तो वो तो एवरी डे आई मेट मीट द हॉकर यानी कि मैं डेली एक हॉकर से मिलता हूँ मुझे एक हॉकर मिलता है जो कि चिल्लाता है चूड़ियाँ ले लो कांच की चूड़ियाँ There इज़ न थिंग टू हरी हिम ऑन उसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती है देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक उसे ऐसी कोई रोड भी नहीं लेनी होती है कि वहाँ उसे ज़रूरी जाना ही जाना है नो प्लेस ही मस्ट गो ऑन और ऐसी कोई जगह भी नहीं होती जहाँ उसका जाना बहुत ज़रूरी हो नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम और उसके घर आने का भी कोई टाइम नहीं होता कि ये फिक्स टाइम है उसे अभी घर आना है यानी कि वो अपनी मर्चा सोचता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है वो कर सकता है आई विश आई व हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्रैंक बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स तो जो बच्चा है वो कहता है कि काश मैं भी हॉकर होता और मैं भी ऐसे ही अपना दिन पूरा स्पेंड करता पूरे दिन को मैं अपना और चिल्लाता क्रिस्टल बैंगल क्रिस्टल्स और रोड पर जा रहा होता अपनी मर्ज़ी से वैन ऐट फोर इन द आफ्टरनून और जब दोपहर के चार बजते हैं आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल मैं जब स्कूल से वापस आता हूँ आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस तो मैं उस घर के गेट में से देखता हूँ द गार्डनर टिकिंग द ग्राउंड एक गार्डनर यानी कि जो माली होता है वो क्या कर रहा होता है ग्राउंड को डिगिंग डिगिंग मीन्स उसको खोद रहा होता है ही डस्ट वॉट ही लाइक्स विद इज स्पेड वो करता है जो भी उसे पसंद होता है विद इज स्पेड स्पेड मीन्स होता है बच्चों यानी कि खोदने की, की चीज़ें होती हैं ना फावड़ा खुरपी जैसे तो वो अपनी स्पेड के साथ जो चाहता है वो करता है ही सॉइल्स इज क्लास विद डस्ट वो क्या करता है देखो को यहाँ सॉयल दे रखा है यानी कि डस्ट धूल मिट्टी से अपने कपड़ों को क्या कर लेता है वो मैला कर लेता है नो बडी टेक्स हिम टू टास्क उसने उसको किसी ने ये टास्क नहीं दिया है कि तुमको ये करना ही करना है इफ़ ही गेट्स बेग्ड इन द सन और गेट्स वेट अब वो कह रहा है कि अगर वो आ, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो मतलब सन की उसमें धूप में वो उसे ऐसा कर रहा होगा कि मतलब उसे कुछ सुखाना है और वो गीला हो गया हो जिससे उसे वहाँ पे जाके कुछ तैयार करना होता है यहाँ बेगडमी वो तैयार करने वाला दिया हुआ है ओके आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन काश मैं भी एक गार्डनर होता और मैं भी गार्डन में ऐसे ही जो चाहे खोद रहा होता विद नो वडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग और जहाँ मुझे कोई भी बंद करने वाला नहीं होता रोकने वाला नहीं होता खोदने से जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग और जैसे ही इवनिंग में यानी कि शाम को जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है एंड माई मदर सेंट्स मी टू बैड और मेरी मम्मा मुझे कहाँ भेज देती है बैड के लिए भेज देती है आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉच मैन वॉकिंग अप एंड डाउन और मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देखता हूँ कि वहाँ पर एक जो वॉच मैन है वो वॉक कर रहा होता है अप एंड डाउन ऊपर नीचे इधर उधर वॉचमैन घूमते हैं ना उनका तो वर्क होता है भैया द लैन इज डार्क एंड लोनली जो गली है वो बिल्कुल अंधेरी और सुनसान होती है एंड द स्ट्रीट लैंप स्टैंड लाइक अ जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड और जो स्ट्रीट की जो लैंप होती है यानी कि वो कह रहा है कि रोड की जो लाइट होती है वो इस तरीके से लगती है कि कोई वहाँ पे जेंट है जिसकी एक कैसी है रेड है उसके हेड पे the watchman swings स्विंग्स lantern. यानी कि जो वॉचमैन है वो क्या करता है अपने लेंटर्न को स्विंग यानी कि इधर उधर हिलाता रहता है स्विंग मीन्स झूलना होता है ना तो झूले की तरह उसको लैंटिन को इधर उधर घुमाता है एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड और उसके साइड में क्या होता है जब वो लैम्प के साथ में घूम रहा होता है तो हमारे होता है ना लाइट से हमारी साइड में हमारी परछाई शेडो बन जाती है तो उसके साथ घूमता है एंड नेवर वन गोज टू बैट इन हिज लाइफ और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी लाइफ में कभी बैट पर गया ही ना हो आई विश आई वर अ वॉचमैन काश मैं भी एक वॉचमैन होता वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट और पूरी रात रोड पे घूमता रहता चेजिंग द देडोज विद माई लैंटर्न और क्या कर रहा होता अपनी मतलब वही के लैंटर्न से मैं भी अपनी शेडो को बना रहा होता चेजिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की निकासी करना ठीक okay. so, है सो योर पोएम हैज बीन टर्न इसकी एक्सरसाइज है योर पार्टनर एंड यू में नाउ बी एबल यानी कि आपने पोएम पढ़ लिया है तो अब आप ये एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं ओके स्टूडेंट सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा काफ़ी अच्छी पोएम है एक बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है उसको इसमें दिखाया गया है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता ना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो बहुत ही इनोसेंट से होते हैं उनको लगता है कि ये फ्रीली अपना वर्क कर रहे हैं इनको कोई डांटने वाला नहीं है इनकी मम्मा नहीं है जो इनको कहेंगी कि नहीं तो ये काम करना ही करना है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता उसको ऐसे लगता है ओके okay. सो so, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल